अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? होकर तो आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो एक और नई वीडियो है आपका, वेलकम करता हूँ एक नए टॉपिक के साथ और एक नई वीडियो के साथ। तो गाइस, आज जो है हम लोगों ने अपने तोतों के पर भी काटते हैं, जो ग्रीन पैरेंट हैं टाइसन एंड टाइनी, उनके पर भी कटेंगे। ये रखे बंदर की तरह भाई। हाँ भाई, अच्छा। और ये टाइनी, वो टाइसन और वो टाइनी, और इन मछलियों का पानी भी चेंज करना है। दोनों काम ऐसे जो मैं अकेले नहीं कर सकता। चलो इनके तो पर काट लो, मगर ये जो इतना पुदकती है ना, इनका काम तो चलो ये तो फिर भी रहने देते, मगर पर काटना मेन है। पर जो है वो अभी काटना पड़ेंगे हमने। और इनको डाइट डाली थी मैंने सुबह, शायद से खा गए। हाँ खा गई माशाल्लाह। ये नहीं हमारी, आपको मिलवा भी देते हैं। फिशेस दिख नहीं रही होंगी, पानी को ज़्यादा ही धुंधला हो रहा है। रुक जाओ, फ्लैश ऑन करके दिखाता हूँ। चले खैर, तो अभी इनको दाना पानी भी कर देते हैं। पानी दाना तो है वैसे भी, कल ही करा था मैंने, तो चलो थोड़ा थोड़ा, हाँ है दाना पानी थोड़ा थोड़ा जो है ना। और यहाँ पे इनका डाइट भी खोली थी मैंने, जो भी खाना वगैरह तोतों का, ग्रीन पैरेट का, ये जो है ये यहाँ पे दाना भी हो रहा है, भीग रहा है, सॉरी ये तो भीग गया, मगर ये क्यों नहीं भीगा? चलें थोड़ी देर और रहने देते हैं। गेहूँ भीग गया सही तरीके से, मगर वो दूसरी चीज़ नहीं भीगी। तो अभी यहाँ से हम उठा लेते हैं कैंची, ये उठा ली हमने कैंची, और अभी इनको निकालते हैं एक करके ग्लव्स पहन के, और इनके पर भी उड़ा देते हैं फटक से, ताकि कोई अगर खोल देते हैं, मेरे भाई भाई वगैरह खोल देते हैं कोई कभी ना कभी, तो ये उड़े ना, जबकि पर इनके अभी भी इतने हो गए कि ये आराम से उड़ सकते हैं भाई, तो हम क्यों रिस्क लें यार। तो अभी जो हमारे यहाँ पे टाइम हो रहा है 4:30 का टाइम हो रहा है, और धूप बिल्कुल नहीं निकल, वो सब भी तो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और जो है धूप जो है वो बहुत तेज़ निकलती है सुबह, तो मेरा पाँव भी फूल गया था, तो धूप भी अभी भी निकली हुई है धूप, तो ये देख सकते हैं। तो अभी जल्दी से ना हम इनके जो भी काम वाम करना है वो कर लेते हैं। पानी जो है वो हमारे घर में साफ नहीं आ रहा, तो यहाँ से भी पानी वानी का जो है मसला हुआ है, वो भी काम चीज़ में लगे हुए। चले खैर, तो हम जो है अपना काम करते हैं जो हमने करना है। और 2-4 दिन पहले यहाँ पे बारिश भी हुई थी, हमारे यहाँ बारिश हुई थी, इसके आपको निशान दिख रहे होंगे, ये देखेंगे निशान, मगर इधर बिल्कुल भी पानी नहीं आया। ऊपर से दिखा देता हूँ आपको, ये देखें बिल्कुल भी पानी नहीं आया इधर, बस थोड़ा सा इकट्ठा हो गया था, जितना था वो चलता ही गया, बस थोड़ा सा इकट्ठा हो गया था, तो उसका तो कोई इशू नहीं है इतना कोई खास। तो अभी निकालते हैं और परवर भी इनके हम उड़ा देते हैं। और गाइस, हम बताना भूल गए, हमने आज इनको भी खोला था, इनके बच्चे बच्चे भी हाथ में लेके देखे थे, तो माशाल्लाह बहुत बड़े हुए। एक रेड आइस लग रहा है शायद से छोटा वाला, मगर वो देखेंगे है क्या। तो माशाल्लाह इसका हाइट देखें, माशाल्लाह इसकी भी नॉर्मल, ये देखें अंदर फीडिंग चल रही है, दिखाते हैं आपको अंदर फीडिंग का, फीड करवा रही है अपनी मादी जो अपने बच्चों को। तो इसके नीचे तो 2-3 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं जैसा है, तो इसने भी माशाल्लाह 2-3 बच्चे हैच कर लिया, उसके पास भी बच्चे हैं। कल की वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था, जो पिछली वीडियो थी, तो उसमें बताया था कि सारी प्रोग्रेस दी थी कॉलोनी की। तो अभी जल्दी से इनके पर काटते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो इनका दाना तो सही से भीग गया, बस थोड़ा सा रह गया, इनका दाना भी भीग जाए तो इनके जो पर हैं, भाई बोल रहा है कि अभी नहीं काटेंगे, अभी इनको रहने दो ऐसे ही पिंजरे में। बोला कल या परसों की वीडियो में इनके पर काट देंगे हम, कल या परसों। तो मैंने बोला भाई ऐसा क्यों? तो बोला भाई मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, मेरी थोड़ी सी ना तबीयत डाउन हो रही है, तो मैं सो रहा हूँ, अभी उठ के फिर ट्यूशन चले आऊँगा। तो फिर ऐसी बात सी बात है, अच्छा सही है। तो फिर वो बोल रहा है कि ना अब आज छोड़ दो, रहने दो, तो बाद में काट लेंगे। तो क्या कर सकते हैं, काटना पड़ेंगे अब बाद में। तो मैं अकेला काटने वाला, काट सकता होता तो मैं काट भी लेता। तो खैर, ये जो है ये भीग गया यार हम सही से, ये देखें ये थोड़ा सा और भीगेगा बस आधे घंटा, और ये सही से हो जाएगा,
अच्छे से मिक्स कर देते हैं इनको और फिर इनको प्रोवाइड कर देते हैं। और भी चीज़ें मिलाया करेंगे, नीचे से रोटी भी पूछ रहे थे, और रोटी मिलती है तो वो मिला के ज़्यादा सी डाइट हो जाएगी ना, चार तरह की रहेगी, तो वो इनको हम प्रोवाइड कर देंगे। तो पूछ कर आता हूँ भाई रोटी है भी या नहीं है। तो चलो चलता पूछ। बोल तो अभी हम जाते हैं नीचे और पूछ कर आते हैं। माशाल्लाह इनकी ग्रोथ भी कितनी अच्छी हो रही नीचे वालों की, ये देखें माशाल्लाह। और ये रोटी भी ले रही हैं हम। अब चलते हैं हमारे सेटअप पे जल्दी से फटाक से। तो गाइस हम आ चुके हैं ऊपर भाग से, और जल्दी से इनको ये प्रोवाइड करते हैं और फिर इनको ये मतलब ये इसमें डालते हैं और फिर इनको ये दे देते हैं। उतार लो इनको, ये आ गया। तो ये लास्ट बचा है, इसको भी डाल देते हैं। इनकी जल्दी से कटोरी उठा लेते हैं जिसमें दाना डालना है हमने। अरे भाई ये तो अंदर करो यार, ये वाला तो हाँ चलो इसको पकड़ देते हैं, जल्दी से इसको साफ़ कर देते हैं। मैंने सुबह पानी डाल दिया था, सारा दूध छोड़ देते हैं ना जो गेहूँ होता है। तो इसको खैर इसको उठाते हैं। भाई इतना क्यों चीख रहे हैं अच्छे वगैरह, तुम्हारे बच्चे इतना क्यों चीख रहे हैं भाई, इनको दाना पानी करवाओ जो करवाना है। तो जल्दी से हम इसमें प्रोवाइड करते हैं फिर आपसे मिलते हैं। तो ये रहेगी आखिरी, ये थोड़ा सा ये देखें गाइस, ये बन के निकली है। मेरा दिल तो कर रहा है मैं खा जाऊँ। इसमें क्या क्या मिक्स है आपको दिखाते हैं, थोड़ा धुंधला धुंधला सा हो रहा है कैमरा। तो इसमें गेहूँ है, चने हैं, काले बीज हैं, रोटी हैं, ये चार चीज़ें इसमें मौजूद हैं। सब इनको जल्दी से प्रोवाइड कर देता हूँ, इनकी तो भाई वाड़ी वाड़ी हो गई माशाल्लाह। तो दिखाते हैं आपको ये कितना शौक से खा रहे हैं, ये देखें माशाल्लाह, ये जल्दी जल्दी शौक से खा रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। अब इनकी ग्रोथ अच्छी से अच्छी हो गई, देखें अब दिख रहे हैं ना पीछे से सही से, ये देखें माशाल्लाह। ये मादी की दुम कितनी लंबी हो गई और नर की भी आ रही है पीछे से, उसकी भी हो ही जाएगी। तो आज का जो ब्लॉग था वो यहीं तक रखते हैं, आज का जो ब्लॉग था वो यहीं तक रखते हैं, आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पर ही ख़त्म। मिलेंगे कल इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मिलेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि मैं एक दिन बाद एक दिन छोड़ के वीडियो डाल लूँ। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और गाइस ये देखें यहाँ पे फीड करवा रहे हैं मादी दोनों बच्चों को अपने, वो देखें चलें।